सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता विनाश, हम आपका दोबारा से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि इज वर्ड। माई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन और रख रहे होंगे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस हम दोबारा से आ गए आपकी फरमाइश पे लेके बब्बू मान साहब के गाने के ऊपर रिएक्शन करने के लिए, और गाने का नाम है चन चन। तो अरब पंजाबी 2 से ये गाना आउट हुआ और इनके बहुत सारे गाने हैं जिसपे हम बैक टू बैक रिएक्शन करते जा रहे हैं, और आपने अपनी फरमाइशें बताई जा रहे हो और हम रिएक्शन करते जा रहे हैं। हमें भी मजा आ रहा है और आपको भी मजा आ रहा है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बब्बू मान साहब के बारे में तो दुनिया जानती है, अलग ही आदमी यार। तो पहले तो मैं इनका गाना सुनना चाहूंगा, फिर इसका मतलब सोचना चाहूंगा, फिर आपको बताऊंगा हमें क्या समझ आया। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो सबसे ज्यादा ये बात कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा मजे तो बब्बू मान साहब को आ रहे हैं, जो हमारे को पीछे 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 घुमा रहे हैं बम्बीरी की तरह। हम बम्बीरी की तरह घूम रहे हैं, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है, उनके गाने आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम गाना देखते हैं, फिर उसके बाद हम रिएक्शन बताएंगे कि गाने का रिएक्शन कैसा है। गाना तो यार ज्यादा बात नहीं करते, सबसे पहले बताता हूँ, अगर यहाँ तक आ गए और अभी तक आपने चैनल को नहीं करा सब्सक्राइब, और अभी आप YouTube चैनल पे बिल्कुल नए और आपने पहली बार देखी हमारी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताएगा अभी रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उससे क्या होगा हम आपके बताएगा अभी रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करें जी, तो लेट्स गो। रहन दे कल मौज लैन दे, अजे मारा मूड नी चैन बैन दे, बाल दिता तूना जदों इश्के दा सजना, बाल दिता तूना जदों इश्के दा सजना, मैं जाड़े चिल या दूंगा बहार, चन भी लमांगे थल तार वे सजना, चन भी लमांगे थल तार, तेनू कौन रोकदा है मार ताड़िया, मैल वाली तक माड़िया, तेन कौन रोकदा है मार ताड़िया, मैल वाली बारी बिच तक माड़िया, तू की लैना पागल मलंग शहर तो, तू की लैना पागल मलंग शहर तो, नी मैं लब कोई राजकुमार, लमांगे थल तार वे सजना, चन भी लमांगे थल तार, चन भी लमांगे थल तार वे सजना, चन भी लमांगे थल तार, मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि भैया हम इश्क इश्क के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, पर जब प्यार होगा तो चांदनी चौक को उतार देंगे, ऐसा कुछ है। पीछे छटा मड़का बिजली दे वांग घूम घूम कड़का, कि मैं कूड़े तेरे पीछे छटा मड़का बिजली दे वांग घूम घूम कड़का, तेरिया निगाहां बिच बेशक हीने सही, तेरिया निगाहां बिच बेशक हीने सही, औख दे सियाने फनका, लमांगे थल तार वे सजना, चन भी लमांगे थल तार, चन भी लमांगे थल तार वे सजना, चन भी लमांगे थल तार, म्यूजिक बहुत बढ़िया।
खरा सुभा मान बेईमान दा इक गल मेरी सारा पिंड जान दा चन भी लवांगे थले तार बे सजना चन भी लवांगे थले तार चन भी लवांगे थले तार बे सजना चन भी लवांगे थले तार। तो यार गाइस चन आउट है, बहुत जबरदस्त और बहुत ही मतलब यूनिक सा म्यूजिक है। मतलब एक तरीके से मतलब 90s के अंदर ऐसे म्यूजिक आते थे जिसके अंदर प्रॉपर बैंड होता था और उसकी जो वॉइस है ना, उसकी जो ट्यून है वो बिल्कुल अलग सुनाई देती थी, वैसे ही ट्यून इसके अंदर है। और बब्बू मान साहब की ना म्यूजिक क्वालिटी बहुत बढ़िया, बहुत डिसेंट और बहुत ही मतलब बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं एक लाइन के अंदर, मतलब उसका जो मीनिंग होता है ना वो बहुत अलग होता है। सबसे ज्यादा मस्ती में रहने दे, मैंने कल्ले रहने दे, चैनल बैठ दे, मतलब मुझे लगता है कारा बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे कोई चक्कर नहीं पड़ता ना, मुझे अपने चक्कर में फंसाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिस दिन मुझे प्यार होगा ना उस दिन चांद जमीन पे उतार देंगे। तो कुछ ऐसा था इन्होंने बोला, तो बहुत बेहतरीन मुझे लगा गाना और बहुत वाइज वाला। आपको क्या नहीं, गाना तो बहुत अच्छा है, गाने में बिल्कुल सारी समझ आई है, ये बात नहीं कि सरलता है, सरलता बिल्कुल सरलता से गाना पेश करा गया है और बहुत समझ आई है गाने के अंदर। वो ये कह रहा ना मान दा जो अथरा सुभा है मान दा, और मान को जरूरत नहीं है अपनी हीर ढूंढने की, हीर खुद उसके पास आ जाएगी। क्या बात है, क्या वो सबसे अच्छी बात मेरे को उनकी ये लगी है कि मुझे हीरो को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे को प्यार हो गया तो वो चांद जो जमीन पे उतार के ही रहूंगा मैं, अभी तो मैं बेला हूँ और मैं बिल्कुल अकेला हूँ और बेईमान हूँ और सारा पिंड जानता है कि मेरा अथरा स्वभाव, अथरा मतलब ढीठ स्वभाव है मेरा, और मैं किसी की बात नहीं मानता, अगर मुझे लव हुआ तो अपने आप ही सब कुछ कर लूंगा मैं। तो आई होप गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे को सारे गाने की समझ आई है और गाना मुझे बहुत अच्छा लगा और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा है, आवाज बहुत अच्छी है उसका, हर चीज कुल मिला के गाना मुझे बहुत ओवरऑल बहुत सुंदर गाना लगा मुझे। गाइस मैं आपको बताया तो बब्बू मान साहब के बारे में सारी चीज लोग जानते हैं बात को, ये प्यार करते हैं तो सरेआम, वो लड़ाई करते हैं वो भी सरेआम, और लड़ाई तो खैर वो नहीं करते, वो कहते हैं कि चलो तुम बड़े बन जाओ, हम कर चुके हैं चीजें, तुम बच्चे हो बच्चे रहोगे, तो ये एटीट्यूड उनका मुझे बहुत गुड लगता है। तो यार बहुत ही बेहतरीन गाना, आई होप आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% पे अच्छा लगा हो। और आप चैनल पे नए और आपने अभी तक नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो, उससे क्या होगा हम आपके बताए गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।